यदि इस प्रेतात्मा को इस घर से बाहर निकालना है इंडिया को यहाँ लाना ही होगा। बाबा ये कैसे संभव है? काजल विंध्या को यहाँ नहीं आने देगी, और वैसे भी वो परसाड में कैसे आ सकती है? यहाँ तो माता जी है ना। चाहे जो भी हो, ये हवन विंध्या के हाथों ही संपन्न कराना होगा। यदि ये हवन विंध्या के हाथों संपन्न नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन बाबा, अगर हमने विंध्या को जबरदस्ती बाहर लाने की कोशिश की तो आत्मा विंध्या को नुकसान पहुंचा सकती है, इस तरह तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। प्राण तो उसके दोनों ही स्थितियों में संकट में हैं। वैसे भी काजल की प्रेतात्मा वो दुष्ट आत्मा उसे प्रतिक्षण मार ही रही है। विंध्या को बचाने का मात्र एक ही उपाय है, एक ही उपाय, उसे इस हवन कुंड के समक्ष लाकर इस हवन को संपन्न कराना होगा। और इस कार्य के लिए हमें थोड़ा कष्ट और थोड़ा संकट झेलना ही होगा। बाबा लेकिन कहीं अगर शांत, इस संबंध में हम कोई वाद विवाद नहीं चाहते हैं। भयभीत मत हो, हम स्वयं उसे लेने जाएंगे। अब हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति से बहुत दूर नहीं हैं। अम्बे 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 मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इस अमावस्या की काली रात में मैं अपना काम हर हाल में पूरा करके रहूंगी, पूरा करके रहूंगी मैं अपना काम। माँ शमशान वासिनी महिषासुर मर्दिनी मातेश्वरी, माँ कृपा, माँ कृपा। मैं जानती हूँ बाबा कि तू क्या करने वाला है, लेकिन तेरी टक्कर किसी मामूली आत्मा से नहीं हुई है जो तुझसे डरकर भाग जाएगी। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुपुत्रो जायेत पुत्रपि माता न भोति मा कृपा मा कृपा। अम्बे अम्बे अम्बे।
आभारी हैं माँ तेरी कृपा के। जगदम्बे क्या बच्चों की तरह खेल खेल रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आ मेरे, आ सामने। जगदम्बे कृपा माँ, माँ केशवरी। धन्य हो माँ, धन्य हो। तस्वीर ये कैसे टूटी? काजल इतना घटिया काम वही कर सकती है, तो इसका मतलब इस वक्त काजल मेरे शरीर में नहीं है, तो फिर कहाँ है वो? क्या सोचा तुम्हारे ये घर वाले और तुम और ये बाबा मुझे ये छोटे से शीशे की चमक से डरा दोगे और मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी? नहीं, मैं ये घर और तेरा शरीर नहीं छोड़कर जाऊंगी। नहीं सुना तूने? आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? नहीं। तो और इस बाबा जैसे लोग आ जाए ना, तो भी काजल से पीछा नहीं छुड़ा सकते, कभी नहीं छुड़ा सकते। शमशान वासिनी माँ, कृपा माँ कृपा। रुक जाओ, जब तक हम आज्ञा ना दें तुम में से कोई भी इस पर्साल से बाहर नहीं आएगा। मां जगदम्बे, बे 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 शमशान वासिनी आवाहन मां, शमशानेश्वर आवाहन प्रभु आवाहन। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षा मम। माँ कृपा, माँ कृपा। आ मेरे पास। तू काजल के पास नहीं, अपनी मौत के पास चल के आ रहा है। अपनी मौत के, आज तेरी मौत निश्चित है। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू क्या, तेरे जैसा हजारों बाबा याद रखेंगे। आज ये अमावस्या की रात मेरे लिए जीत और तेरे लिए हार लेकर आई है। तू यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं तुझे जान से मार दूंगी, जान से। कर्पूरघोरम कमलावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा प्रसन्नम हृदयारविंदे भाम भवानी सहितम नमामि। इन घटिया हरकतों से तू काजल को वश में करना चाहता है। तू जानता है कि काजल को वश में करना इतना आसान है, भी नहीं मानता? ओ
उससे पहले तू मरेगा बाबा। तू बड़ा आया पायल को बचाने वाला, तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? हाँ, आज इस घर में एक और मौत होगी और वो मौत होगी तेरी। मेरी ताकत का एक छोटा सा नमूना, ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारी वर्षों की संचित शक्ति पल में टूट के बिखर गई माँ। हे दुष्ट आत्मा, तुम्हारे भक्त को कैसे हरा सकती है माँ? कैसे पराजित कर सकती है वो? मेरी ताकत के सामने तेरे जंतर मंतर कुछ काम नहीं करने वाले, कुछ काम नहीं। शिवा, ये क्या किया तुमने? हमारी चेतावनी के बाद भी प्रसाद छोड़ के अंदर आ गए। जाओ, शीघ्र वापस जाओ। काजल की आत्मा यहीं कहीं है। वो दुष्ट आत्मा, वो असंतुष्ट दुष्ट आत्मा यही कहीं है। वो तुम में से किसी का कुछ भी अहित कर सकती है। जाओ, शीघ्र वापस चले जाओ। हमने उस आत्मा की शक्ति का जितना आकलन किया था वो उससे भी अधिक शक्तिशाली निकली। तुम सभी ने देखा कि हमारी वर्षों की तपस्या से संचित शक्ति को उसने क्षण भर में चकनाचूर कर डाला। जाओ, वो तुम में से किसी को हानि पहुंचा सकती है। और यदि अपनी कुशलता चाहते हो तो हमारी आज्ञा के बिना तुम में से कोई भी अंदर नहीं आएगा। जाओ, शीघ्र जाओ। तुम भी लेकिन बाबा अब कोई बात मत करो, वापस जाओ, शीघ्र वापस जाओ। तुझे छोड़ दूँ? मेरे हाथ में हवा शिकार छोड़ दूँ? नहीं रोहित, इतनी आसानी से नहीं।
मैंने पहले सोचा था कि मैं पायल को जान से मार दूंगी, लेकिन अब मैं तुझे जान से मार दूंगी, तुझे। माँ, माँ, माँ मेरी रक्षा करो, माँ। बाबा, बाबा कुछ कीजिए, बाबा। रोहित, बाबा मेरे बेटे को बचा लीजिए, बाबा। बाबा कुछ कीजिए ना, छुड़ाइए ना मेरे रोहित को। माँ। देखा तुम लोगों ने हमारी चेतावनी नहीं मानने का दुष्परिणाम। काजल छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, हम कहते हैं काजल छोड़ दे इसे। अच्छा, तेरा इतना दुस्साहस, हमारी आज्ञा का उल्लंघन करेगी तो देख। हाँ, ओम श्री माति शरणम श्री दुर्गे दुर्गे रक्षी स्वाहा। मातेश्वरी तुम्हारी रक्षा करेंगी। बाबा, विद्या को बाहर लाने का कोई और रास्ता भी होगा। बच्चा, तुमने अभी अभी देखा कि उसने हमारी वर्षों की साधना क्षण भर में व्यर्थ कर दी। उसे नियंत्रण में करने के सारे हमारे उपाय व्यर्थ होते चले जा रहे हैं। काजल की प्रेतात्मा को नियंत्रण करना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो केवल मातेश्वरी ही अपने बच्चों को रास्ता दिखा सकती है। जी काका, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। जब बिंदिया हम सबके लिए अपनी जान की बाजी लगा सकती है तो हमें भी उसे बचाना ही होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं काजल दीदी के पास जाऊंगी। नहीं बेटा। और बिंदिया को वापस लेकर आऊंगी। नहीं पायल बेटा, हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तुम तो जानती हो कि वो पहले ही तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है। मुझे जाना ही होगा जी काका, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता बचा है। इससे भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काजल दीदी मुझे जान से मार देंगी ना। अगर इस परिवार के लिए मैं अपनी जान दे सकूं तो ये मेरे लिए मेरा सौभाग्य होगा। नहीं पायल बेटा, हमारी एक बहुरानी तो पहले ही उस आत्मा के कब्जे में है, अब दूसरी को उसके हवाले कैसे कर दे बेटा। दादी प्लीज, आप मुझे नहीं रोकेंगे, आपको अपनी इस बहुरानी की कसम। के मुंह में जाने नहीं दे सकता। पायल, तुम्हें मेरी कसम है, जब तुमने अपना कदम इस दिल्ली से बाहर निकाला था मेरी बिंदिया का क्या होगा? बिंदिया के पास पायल नहीं, अब मैं जाऊं, 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 मैं जाऊं।